नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा, तृणमूल, वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM भी बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इन घमासानों के बीच शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के अनुसार शिवसेना बंगाल चुनाव में करीब 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बंगाल के दौरा भी कर सकते हैं। शिवसेना कोलकाता, हुगली, दमदम समेत कई इलाकों में अपनी उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव लड़ने पर अंतिम निर्णय 29 जनवरी को पार्टी मीटिंग में लिया जा सकता है। शिवसेना के चुनाव लड़ने के फैसले से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में बंगाल का दौरा भी किए थे। आपको बता दें कि शिवसेना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारे थे। उस समय शिवसेना बीजेपी के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। शिवसेना के इस कदम से कई राजनीतिक पार्टियां परेशान हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों ही ओवैसी के बंगाल में चुनाव लड़ने की बात पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी ही। संजय राउत ने यह भी कहा था कि ममता दीदी का राजनीतिक अनुभव बड़ा है। देश में जिस तरह से AIMIM चुनाव लड़ रही है और वोटों का बंटवारा कर रही है, उससे देश के मन में जरूर यह आशंका पैदा होती है कि ओवैसी की पार्टी के एजेंडा क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल में जीत ममता बनर्जी की ही होगी। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44 और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल पाई थी। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अभी से ही रणनीति बनाने में लग गई है। पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी की पार्टी TMC की सरकार है और ममता बनर्जी ही अभी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करती रही हैं। केंद्र सरकार के कार्यशैली पर ममता बनर्जी ने लगातार सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा अपने तमाम एजेंडों के साथ अभी से ही बंगाल में लोगों का दिल जीतने में लगी हुई है। इन दिनों भाजपा और TMC के नेताओं में गजब का सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। बंगाल में दोनों पार्टी के नेता अभी से ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि वहां विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है। बंगाल में चुनावी हलचल के बीच शिवसेना अगर मैदान में आती है तो भाजपा का खेल बिगड़ने की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी का शुरू से ही अपना अलग एजेंडा रहा है, लेकिन शिवसेना अगर बंगाल चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारती है तो इसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ सकता है और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस मसले पर शिवसेना की तरफ से अभी तक अंतिम फैसला आना बाकी है और देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना कितने सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।